अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पे मैं मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद हूँ और आप लोग गाड़ियाँ देख सकते हैं और मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर ही बिल्कुल जो ये स्टॉप है यानी TDCP से 10 मिनट आपने आगे आना है और आपको मिलता है हार्डीज का ट्रक और उसके साथ आपको चाय क्यूजीन का ये स्पॉट मिलता है, ठीक है। उसके साथ आपने साथ देखना है तो इधर से बिल्कुल रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है जो कि मरी स्प्रिंग्स अपार्टमेंट की तरफ जाता है और यहाँ पर 2-bedroom अपार्टमेंट एक फॉर सेल है जो कि 1100 स्क्वायर फीट का है और उसका आपको कंप्लीट टूर स्टार्ट करवाना है। लग्जरियस 2-bedroom के लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर, अच्छा भाई मरी के अंदर तो ये मौजूद है लेकिन मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर है जिसमें आपके पास बिल्कुल चाय क्यूजीन है। लोकेशन अमूमन आपको समझ आ गई होगी बाहर के, आपके शॉट्स भी आपने देख ली होंगे और व्यू बड़ा स्पेक्टेक्युलर है। अब जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं ना, एक तो वुडन फ्लोरिंग है, क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है और उसके साथ सारा कुछ फुली फर्निश्ड आपको मिलता है और 2 bedrooms हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक सेकेंडरी बेडरूम है और एक आपके पास ना मास्टर बेडरूम है जिससे राइट साइड पे भी आपको दिखाता हूँ सारा का सारा व्यू है, किचनेट स्पेस है। और सबसे पहले ना व्यू से ही स्टार्ट कर लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर आए ये है इसका कमाल का व्यू जिसकी वजह से ना आपको ये अपार्टमेंट लेने का दिल करेगा। क्योंकि मरी के अंदर जब अपार्टमेंट होता है तो उसमें अगर व्यू ना हो तो ऑब्वियसली वो इतने पैसे भरने का किसी का दिल नहीं करता, लेकिन इस तरह का व्यू आपके पास कोई भी बिल्डिंग बैक साइड पे नहीं है, आपके पास कंप्लीट ये सारे के सारे माउंटेनस व्यूज हैं, बर्फबारी हो रही है उसके अंदर आप देखें, बारिश हो रही है, आपके पास बैल्कनी स्पेस है, गीजर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, मेंटेनेंस बिल्डिंग की अच्छी है, तो ये सारी चीजें ना कंबाइन होकर इस अपार्टमेंट की प्राइस बनती है जो कि 2.25 crore रुपया है सिर्फ और सिर्फ। उसके साथ बैल्कनी स्पेस अच्छी खासी वाइड है, यानी यहां पर आप कुर्सियां रख सकते हैं, ठीक है, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अंदर खाना खा सकते हैं, बाहर खाना खा सकते हैं और थोड़ी देर अगर आप चुप होते हैं तो आपको ये कंप्लीट यहां पर इंसेक्ट्स की नॉइज, बर्ड्स की नॉइजेस, ये बड़ा एक सरेनिटी वाला माहौल नजर आता है। उसके साथ आप एंटर होते हैं, आपके पास विंडोज का बड़ा ज़बरदस्त साइज़ है जिससे ये व्यू अंदर से भी बाहर नज़र आता है और लाइटिंग काफ़ी अच्छी है अपार्टमेंट के अंदर, यानी वेल लिट है, वेल एयरेटेड है। आप आवें इतने बैजो, आपके पास बिल्कुल इन द मिडल सेंटर टेबल मौजूद है, उसके साथ वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर मौजूद है, सामने इवन नेटफ्लिक्स का सारा सेटअप भी मौजूद है जो कि इको स्टार एक LCD 50 इंच की यहाँ पर लगाई जा चुकी है, उसके साथ मीडिया वॉल भी मौजूद है, दरवाज़ा मेन यहाँ पर, स्टेयरकेस बड़ा ज़बरदस्त, ईजी एक्सेस, गाड़ी की पार्किंग की स्पेस, उसके साथ आपको मिलता है ये जबरदस्त किस्म का सेटअप जो कि HS का हुड एंड हॉब लगा हुआ है, बर्तन शर्तन का थोड़ा सा आपके पास ब्रेकफास्ट टेबल है, आपके पास यहां पर ओवन की स्पेस है, डॉलेंस का ओवन यहां पर मौजूद है, केटल्स हैं, सब कुछ है और एक अच्छी किचनेट स्पेस है जिसमें आप आराम से कुकिंग भी कर सकते हैं लाइव। अब ये अपार्टमेंट का फायदा ये है कि आप इसको डे टू डे रेंटल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, Airbnb पे दे सकते हैं, क्योंकि मरी जो लोग आते हैं उनको एक्सप्रेस वे पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती, एक्सप्रेस वे पे ऐसे कोई होटल्स नहीं मिलते जो कि इस कदर लग्जरी प्रोवाइड करें और ऑब्वियसली स्पेशियस भी हो। फ्रिज मौजूद है आपके पास, सबसे पहले मास्टर बेडरूम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सेकेंडरी बेडरूम भी दिखाता हूँ, आप ये चेक करें, ये एक कंप्लीट ना डिटेल टूर है। अब इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को इतना अच्छे से बनाया गया है कि आपके पास ये जो सारी साइड है व्यू वाली, इस पे आपको कोई दीवार नजर नहीं आएगी, सिर्फ कॉलम्स नजर आएंगे, उसके साथ आपके पास सिर्फ और सिर्फ शीशे लगे होंगे भाई, तो यहां से बेड से आप उठे सुबह सुबह आपके पास ये इम्पेकेबल स्पेक्टेकुलर व्यू, बकरियों की आवाजें ही बना रही हैं इसके साथ, ये आपको देखने को मिलता है, तो पिक्चरेस्क व्यू है। उसके साथ आप यहां पर आते हैं तो आपको मिलता है ये जबरदस्त किस्म की स्पेस जो कि सिटिंग स्पेस है, क्लोजेट एरिया भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वाइड यहां पर दिया गया है जिसके अंदर आपके पास कस्टमाइजेबल हैंडल्स, अंदर आपके पास काफी कुछ करने को मौजूद है। उसके साथ ड्रेसिंग एरिया, वुडन फ्लोरिंग और वॉशरूम्स दिखाता हूं आपको, वॉशरूम्स बड़े डिसेंट हैं, यानी ऊपर ऊपर तक टाइल वर्क है, आपके पास वैनिटी है, कमोड है, शॉवर सेटअप है, अच्छे साइज का यहाँ पर बना हुआ। उसके साथ इस साइड पे आप आते हैं, ये इसका सेकेंडरी बेडरूम है एक, ठीक है, उसमें आपके पास बेड मौजूद है, वहाँ पर अगर आप देखें तो उसके साथ आपके पास सिटिंग स्पेस भी वहाँ पर देखने को बनी हुई है, क्लोजेट एरिया आप लोग देख सकते हैं इस साइड पे और यहाँ पर इसका वॉशरूम मौजूद है। ये वॉशरूम भी बड़ा अच्छा है,
घर वाली फील है, जिसका वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, कमोड स्पेस है, टाइल वर्क ऊपर ऊपर तक है और उसके साथ आपके पास शॉवर सेटअप है। तो ये इसका कंप्लीट रिव्यू है इस अपार्टमेंट का, जो कि मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर बना हुआ है। बड़ा अच्छा व्यू, बड़ा ज़बरदस्त सारा का सारा सेटअप। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप हमारे नंबर पर रब्ता करके इसके विजिट्स प्लान कर सकते हैं और मरी के अंदर अपना ड्रीम अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं इस स्पेक्टेकुलर व्यू के साथ, और यहाँ पर आकर रह भी सकते हैं और उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।